कंफर्म करो जरा, आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? आ रही है सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि क्या हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसमें हमने बताया था कि सबसे पहले कैमरे का इन्वेंशन हुआ था, तभी से स्टार्ट हुआ था आपका रिमोट सेंसिंग। और कैमरे से फोटो खींचना ही एक तरीके का आपका रिमोट सेंसिंग है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है वो है कि बिना फिजिकली कॉन्टेक्ट आए किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। उसके बाद बताया था कि न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वाइट रेज को प्रिज्म के थ्रू जब पास किया तो वहाँ से 7 कलर की लाइट्स इमिट हुई। उसके बाद था कि सर विलियम ने इन 7 लाइट्स का जब टेम्परेचर मेजर करने की कोशिश की तो पता चला कि रेड लाइट का टेम्परेचर ज़्यादा है, साथ में कुछ और भी एनर्जी इसमें से इमिट हो रही है जिसको हम बोलेंगे इन्फ्रारेड, उसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा है। उसके बाद जो फर्स्ट आपका एरियल फोटोग्राफ हुआ था पेरिस में, GFT नदार ने किया था बलून की हेल्प से 1200 फीट ऊंचाई पर। उसके बाद 1889 में आर्थर बटूट ने काइट के थ्रू एरियल फोटोग्राफ लिया था, फर्स्ट थ्रू काइट, ठीक है, फ्रांस में। और आपका BP क्रॉप ने 1903 में पिजन के थ्रू मैसेज ट्रांसफर और एरियल फोटोग्राफ किया था। उसके बाद 1957 में स्पुटनिक फर्स्ट लॉन्च किया था रसिया ने, एक आर्टिफिशियल आपकी सैटेलाइट। 1975 में आर्यभट्ट बाय इंडिया, 1979 भास्कर फर्स्ट लॉन्च बाय इंडिया, 1980 रोहिणी फर्स्ट बाय इंडिया। ये जो फर्स्ट वाली है 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च बाय इंडिया, ये याद रखना। और जो चंद्रयान है 2008 में और मंगलयान 2013 में, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, काम आ सकती है ये। उसके बाद हम यहाँ थे कि 3 सेगमेंट जो हैं आपके रिमोट सेंसिंग के कंपोनेंट जो हैं 3, उनके बारे में बात करेंगे। देर आर 3 मेजर सेगमेंट और कंपोनेंट कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग के। फर्स्ट है आपका प्लेटफॉर्म, सेकंड है आपका सेंसर्स, और थर्ड है आपका ऑर्बिट। थोड़ा सा इनको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, फिर इनके अंदर हम चलेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा आपको कि कैमरे से फ़ोटो खींचना भी एक रिमोट सेंसिंग है। ये एक ट्री है, इसका आपको फोटो खींचना है इसके पास आए बिना, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये ट्राइपॉड है, इसके ऊपर कैमरा रखा है, ठीक है, कैमरे के अंदर सेंसर हैं जो आपको इमेज लेंगे। तो प्लेटफॉर्म क्या हो गया आपका, ट्राइपॉड जिसके ऊपर कैमरा रखा है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, एरियल भी हो सकता है, सेटेलाइट भी हो सकती है। सेंसर क्या हो गया आपका, जो उस कैमरे के अंदर सेंसर है जो डाटा कलेक्ट करेंगे इस ट्री का। इस ट्री की और डिटेल के लिए क्या किया हमने, इस कैमरे को मूव कराया, दूसरी डायरेक्शन से इसकी इमेज ली, ठीक है ना, और ज्यादा डिटेल जानने के लिए। तो ये क्या हो गया आपका, ऑर्बिट, ये हो गया आपका ऑर्बिट, है ना। तो ये 3 इस तरीके से एक रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस में काम करती हैं, 3 कंपोनेंट, प्लेटफॉर्म, सेंसर, ऑर्बिट। अब एक एक का थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या हमारे रिमोट सेंसिंग में क्या होते हैं। तो फर्स्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जो था आपका फर्स्ट कंपोनेंट जो था प्लेटफॉर्म। ए प्लेटफॉर्म इज ए व्हीकल और कैरियर फॉर रिमोट सेंसर। देर आर 3 टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म इन रिमोट सेंसिंग। ये तो आपको पता ही है कि जो प्लेटफॉर्म है वो क्या कैरी करता है, वो सेंसर्स को कैरी करता है जो आपका डाटा कलेक्ट करते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, ग्राउंड बेस्ड, जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हो, ग्राउंड बेस्ड इस तरह के ट्राईपॉड हो गया आपका, या फिर इस तरह की क्रेन्स हो गई, इस तरह का आपका डिवाइस क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म हो गया, उसको ग्राउंड बेस्ड कहेंगे। एयरबोन, जैसे कि एयरबोन है आपका, ड्रोन हो गया आपका, एयरप्लेन हो गया, ये एयरबोर्न, और स्पेस प्लेटफॉर्म, ये आपका सैटेलाइट्स हो गया। तो जो आपके 3 मेन कंपोनेंट हैं रिमोट सेंसिंग के, उनमें जो फर्स्ट है आपका प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म को भी फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्राउंड, एयर एंड स्पेस, ठीक है। यहाँ इसमें कोई समझने वाली चीज़ तो है नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका, फर्स्ट पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ग्राउंड बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, कैसे किस टाइप के होते हैं। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज टू रिकॉर्ड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्वे वेरी क्लोजली। सम एग्जांपल ऑफ ग्राउंड बेस्ड
प्लेटफॉर्म, अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपको डिटेल चाहिए उसके आसपास आप जा सकते हो, आसपास यानी उसके पास नहीं, उसके आसपास ग्राउंड पर ही, और उसकी बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ग्राउंड व्हीकल हो गया आपका, टावर हो गया, एयर बलून हो गया, काइट अदर ड्रोन हो गया, सॉरी काइट एंड अदर, ये सब क्या है, ग्राउंड बेस, ठीक है। ये जैसे काइट और बलून जो है इस टाइप के जो आप इमेज में देख रहे हो, इनका इनको बांधा हुआ है रस्सी से ग्राउंड पे, इसको बेसिक, ठीक है। तो ये हैं आपके ग्राउंड बेस प्लेटफॉर्म। द हाइट ऑफ ग्राउंड बेस प्लेटफॉर्म अप टू 50 मीटर हो सकती है इनकी हाइट। इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट द ग्राउंड बेस प्लेटफॉर्म फाउंड 50 मीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सिंपल रीडिंग करना आपको और ये आपको समझ में आ जाएगी, कोई इतना टफ चीज़ नहीं है। सेकंड आता है एयरबोर्न प्लेटफॉर्म यूज टू कलेक्ट वेरी डिटेल इमेज एंड फैसिलिटी कलेक्ट ऑफ डाटा ओवर इन पोजीशन ऑफ अर्थ सरफेस एट एनी टाइम, बट इट वेरी एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म कंपेयर टू द ग्राउंड प्लेटफॉर्म, ठीक है। बड़े एरिए का लेना हो आपको, और क्योंकि एक्सपेंसिव भी है, बड़े एरिए का भी लेना है, और कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आप ग्राउंड पे प्लेटफॉर्म को सेट नहीं कर सकते और डिटेल में चीज़ें चाहिए, इमेज चाहिए, तो आप एरियल प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एरोप्लेन आता है, हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट आता है, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, ये सब आते हैं। लगभग इसकी हाइट 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट आपका सम एग्जांपल ऑफ स्पेस बाउंड प्लेटफॉर्म, रॉकेट, सैटेलाइट, स्पेस शटल हुज हाइट 250 टू 300 किलोमीटर अबाव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, स्पेस स्टेशन विच हुज हाइट 300 टू 400 किलोमीटर, लो लेवल सैटेलाइट हुज नोन एज पोलर सैटेलाइट हुज हाइट इज 700 टू 500 किलोमीटर, हाई लेवल सैटेलाइट जिसकी 3600 हो सकती है आपको किलोमीटर, सैटेलाइट आर ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ द अर्थ इन द अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो तीनों प्लेटफॉर्म, तीनों फर्स्ट कंपोनेंट जो प्लेटफॉर्म, उसमें तीनों पार्ट हो गए आपका, ग्राउंड, एयर एंड स्पेस। उसके बाद आता है आपका सेंसर। सेंसर में पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ कि एक होता है पैसिव सेंसर, एक होता है एक्टिव सेंसर। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है, सन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो वो इमिट कर रहा है, जो हमारे एटमॉस्फेयर से इंटरसेक्ट करते हुए ग्राउंड पे आती है, ऑब्जेक्ट टकराती है, ऑब्जर्व की प्रॉपर्टी होती है, वो कुछ एब्जॉर्व करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टेड को हमारे सेंसर कैच करते हैं और उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो जो सेंसर हैं वो दो टाइप के होते हैं, पैसिव सेंसर और एक्टिव सेंसर। बता चुका हूँ कि पैसिव और एक्टिव क्या होते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पैसिव सेंसर इफ डिटेक्ट नेचुरल एनर्जी रेडिएशन दैट इज इमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट और सीन बीइंग ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड सनलाइट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रेडिएशन मेजर बाय द पैसिव सेंसर। कोई भी आपका नेचुरल रेडिएशन इमिट हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है आपके ऑब्जेक्ट से, और एग्जांपल के तौर पे सन है आपका सोर्स यहाँ पे, तो वहाँ पर जो सेंस करते हैं सेंसर, जो रिसीव करते हैं, कैच करते हैं डाटा, हम बोलते हैं पैसिव सेंसर। इसके अपोजिट हो जाएगा आपका एक्टिव सेंसर। एक्टिव सेंसर पे नेचुरल रिसोर्स नहीं है, एक्टिव सेंसर अपने आप ही यहाँ पे सिग्नल भेजेगा और उनको रिफ्लेक्शन सिग्नल को अपने आप इमिट करेगा, जो रात में आपका काम कर सके, जहाँ जहाँ पर सनलाइट नहीं जा रही है, ठीक है। ये आ गया एक्टिव, इसकी डेफिनेशन पर, एक्टिव सेंसर्स ट्रांसमिट देयर ओन सिग्नल एंड मेजर द एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बैक और स्कैटर बैक फ्रॉम द टारगेट, फॉर एग्जांपल रडार, सोनार, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है, बता चुका हूँ कि सनलाइट में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होती है। इलेक्ट्रो मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और रेडिएशन मतलब एनर्जी, की एक ऐसी एनर्जी इमिट हो रही है सन से जो मिक्सर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसको यहाँ पर देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है और उसके परपेंडिकुलर प्रोपोगेट होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये दो एनर्जी एक साथ हमारी ट्रेवल कर रही हैं, एक है आपकी ये रेड वाली है आपकी इलेक्ट्रिक और ये है मैग्नेटिक, इन दोनों की अपनी अपनी वेवलेंथ होगी, ठीक है। पीक टू पीक इस डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, सभी को पता है,
ठीक है, तो ये है आपका इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपोगेट विद ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यही आपका जो है सन के थ्रू हमारी रेडिएशन आती है हमारी अर्थ सरफेस पे। इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ रेज होती हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। विजिबल रे वो रेज होती हैं जिसको हम देख सकते हैं अपनी आँखों से, जो सेवन कलर होते हैं, जो आपका प्रिज्म में के थ्रू जो वाइट लाइट ट्रांसफर आपका आँख के थ्रू पास की गई थी और हमारे साथ आपको कलर्स मिले थे जो रेनबो में भी देखने को मिलते हैं, ये वो जोन है, ठीक है। और ये वेवलेंथ तो आपको पता ही चल गया था। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। शॉर्टर वेवलेंथ, हायर फ्रिक्वेंसी एंड हायर एनर्जी। जिसकी वेवलेंथ छोटी है उनकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ये तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा। अगर कोई वेवलेंथ ये है और कोई वेवलेंथ ये है ना, तो इसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगी और इसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। पीक कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है, साइकिल पर सेकंड ज़्यादा हो रहा है, तो फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी भी कम होगी, फ्रिक्वेंसी भी कम होगी। अब इन्होंने क्या किया है, जो आपका ये जो स्पेक्ट्रम है इस पैटर्न में से निकाला हुआ है विजिबल, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है कि जो विजिबल रे है इसके अंदर जो लाइट है इसकी 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ होती है, वेरी करती है, 400 से 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ। यानी कि ये जो रेज हैं, ये वाली लाइट है, जो रेज होगी इनका पीक टू पीक की जो वेवलेंथ होगी वो वेरी कर रही हैं 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। और जो अदर आपकी रेज उन सबकी रेंज भी यहाँ पे लिखी हुई है, देखो 10 की पावर 14 नैनोमीटर गामा के लिए, 10 की पावर -12 एक्सरे के लिए, 10 की पावर -10 अल्ट्रावायलेट के लिए। इस तरीके से आपका सबकी लिखा हुआ है कि किस रेंज में आपके इनकी वेवलेंथ होती है। तो यानी कि हम जो है इंसान जो है वो 400 से लेके 700 नैनो मीटर की वेवलेंथ को देख सकता है। ये एक बहुत छोटा सा डाटा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है उसमें भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और उस स्पेक्ट्रम के अंदर भी आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रेडिएशन है, रेज हैं, उन सात में से जो एक है उसमें 7 कलर हैं, तो देखो डाटा कितना सारा है इसमें, ठीक है। यानी कि जो आपका एनर्जी जब ऑब्जेक्ट पे टकरा रही है और रिफ्लेक्ट होके आपका जो रिसीव ले रहा है उसके पास कितना वेरिएशन होगा, उस वेरिएशन की वजह से ही वो ये डिफाइन कर सकता है कि क्या चीज क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है। आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। ये आपका है रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, फॉरेस्ट्री में, जियोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी में, सी आइस, लैंड कवर एंड लैंड यूज़, ओशियन कोस्टल मॉनिटरिंग, एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर मेजर बाय रिमोट सेंसिंग, डेवलपिंग ऑनलाइन मैपिंग, ठीक है। अब एक एक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम एग्रीकल्चर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जरा इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपका क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन, क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन रिमोट सेंसिंग, यानी कि रिमोट सेंसिंग ये बता देगा कि किस खेत में क्या लगा हुआ है, गन्ने का खेत है, क्या कहते हैं आपके गेहूं का खेत है, रिमोट सेंसिंग बता देगा। कैसे बता देगा, इसको एक एग्जांपल समझते हैं, उस एग्जांपल वो सब पे अप्लाई होता है, सारे एग्रीकल्चर फॉरेस्ट जितने भी अभी एप्लीकेशन बताई उस सब पे वो एग्जाम्पल आपका है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो खेत हैं, ठीक है, खेत नंबर वन, खेत नंबर टू, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्रॉप हो रही है सी वन और सी टू, दोनों में अलग अलग क्रॉप है, ठीक है। या एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये सारा डाटा ना आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, मैं भी वहीं से देख के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्रॉप वन क्या है आपका, मिंट, आपका पेपर मिंट जो होती है, पेपर मिंट का पौधा जो होता है, और आपका जो उसका चटनी जो बनती है जिसकी पौधी ना,
इन दोनों के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं या पौधे जो होते हैं, एक जैसे होते हैं दिखने में। अगर आप दो खेत हैं बराबर बगल बगल में, एक में पेपर मिंट का पौधा लगा हुआ है और एक में पुदीने का, और अगर आप उसका फोटो खींचोगे तो आप फोटो देख के नहीं बता पाओगे कि कौन सा पुदीना है कौन सा आपका पेपर मिंट का पौधा है, लेकिन रिमोट सेंसिंग बता देगा। रिमोट सेंसिंग के थ्रू आप पता कर सकते हो कैसे। दोनों ही हरे हैं, दोनों का साइज भी सेम है, लेकिन क्या होता है जो आपका विजिबल रेज है, विजिबल रेज जो हैं इसके अंदर जो एक पैटर्न है आपका 7 कलर्स का, ठीक है, 7 कलर्स का। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है आपका, ये वाला जोन स्टार्ट होता है आपका इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड के पास वाली जो रेज हैं ये वाली, इनको बोलेंगे नियर इंफ्रारेड। तो जो ग्रीन पौधे होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, ठीक है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जो नियर इंफ्रारेड के जो रेज होती है इनको ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह हर की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती होगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पौधों के ग्रीन पत्ते जो होते हैं वो नियर इंफ्रारेड जो रेज होती है उनको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी से ये तो पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ग्रीन पत्ते हैं, कुछ हमारा फॉरेस्ट है या यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, ठीक है, दोनों C1 C2 में। अब ये कैसे पता चले, ये कैसे डिफाइन हो कि ये पुदीना है और ये आपका पेपर मिंट है, ठीक है। लेकिन जो पुदीना है और पेपर मिंट है ये दोनों इंफ्रारेड के नियर जो रेज है उनको रिफ्लेक्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपस में जब कंपेयर करते हैं तो एक थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, एक थोड़ा कम कर रहा है ना, ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कम रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि ये पेपर मिंट है और ये हमारा पुदीना, और ये हर जगह का होता है, सॉइल फॉरेस्ट हर जगह जो रिफ्लेक्शन रेट है, कौन सी रेज को कौन सी वेवलेंथ को कितना क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आपको मैंने अभी बताया ना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो कितना डाटा है उसके अंदर, उसमें एक स्पेक्ट्रम की बात करें उसके अंदर 7 रेज हैं, फिर एक रेज की बात करें उसकी भी रेंज है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, है ना। और हर किसी चीज़ की प्रॉपर्टी होती है अपनी, कौन सी वेवलेंथ को या कौन सी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करे, कितना एब्जॉर्ब करे कितना रिफ्लेक्ट करे। तो इस डिफरेंस से, इस वेरिएशन से हम चीज़ों का पता कर सकते हैं। फिर है आपका ये कह रहा है कि क्रॉप कंडीशन, भाई क्रॉप की कंडीशन, क्रॉप कम है ज़्यादा है, सूखा हुआ है कैसा है, ज़्यादा ग्रीन है, उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है, वो भी आप जो रिमोट सेंसिंग है इसी प्रॉपर्टी के थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू अगर लेते हैं तो हर मिनट, हर 10 मिनट, हर घंटा, ये कभी भी आप कंटिन्यूस इसकी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, और आप रोज़ के रोज़ क्रॉप की क्या हेल्थ है, क्या कंडीशन है, वो आप पता कर सकते हो। क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, ठीक है, ये भी पता कर सकते हो कितना क्रॉप है कितना नहीं है, है ना। मैपिंग ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, हर सॉइल की अपनी अलग रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, तो उससे क्लासिफाई कर सकते हैं। मैपिंग ऑफ सॉइल मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन ये सबसे पहले मान लो ये जो सैटेलाइट है इसने यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट है, इससे सनलाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, इसने कुछ एब्जॉर्व की कुछ रिफ्लेक्ट करी, जो इसने सेंस की, इसने इसने पता चल गया कि भाई ये इतना, एग्जाम्पल है, डाटा गलत हो सकता है, जो मैं एग्जाम्पल है 200 नैनोमीटर की ये वाली रेज, आर रेज को रिफ्लेक्ट किया है इतनी अमाउंट में। अब इसको कैसे पता कि ये कौन सा पौधा है, तो हमें पहले एक रिसर्च करके एक डाटा इसमें फिल्ड करना पड़ेगा ना, ये डाटा कि भाई ग्रीन पत्ते जो है वो नियर इंफ्रारेड के जो वेव्स होती है उनको रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं। पहले तो ये रिसर्च करनी पड़ेगी, ये डाटा फिल्ड करना पड़ेगा, हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो एनालिसिस करते हैं ना, तभी तो बता पाएंगे कि अच्छा ये डाटा सेट है, ये ठीक है, इससे इसका मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्रॉप है, एग्रीकल्चर का काम हो रहा है। आप देखो सारे इसी एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे, असेसमेंट, क्रॉप, सॉइल का भी पता चल गया, कैरेक्टरिस्टिक पता जाएगी, कैसे टाइप, किस टाइप की सॉइल है वहाँ पे, क्ले सॉइल है, डार्क सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, या फिर वहाँ पे सैंड है, वो सब पता जाएगा। फॉरेस्ट कितना कवर हो रहा है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट कैसा है, वेजिटेशन डेंसिटी, डिफॉरेस्टेशन, फायर होगी तो अलग कंडीशन होगी, बायोमास एस्टिमेशन। तो ये सारा डाटा आपको इसी प्रॉपर्टी से जो मैंने एग्जाम्पल बताया है कि एक खेत है दो खेत है वहाँ से आपका पता चल जाएगा।
उसी तरह एक एग्जांपल है आपका जियोलॉजी का। आप देख रहे हो अभी तो बहुत सारे और भी एप्लीकेशन आ गए, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है रिमोट सेंसिंग। जियोलॉजी, बेड रॉक मैपिंग, ठीक है, लिथोलॉजिकल मैपिंग, स्ट्रक्चरल मैपिंग, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, एनवायरनमेंट जियोलॉजी, जियो बोटेनी, सेडिमेंटेशन मैपिंग एंड मॉनिटरिंग, इवेंट मैपिंग, जियो हैजार्ड मैपिंग। ठीक है, कुछ चीज़ें तो पता भी नहीं होगी हमें ये क्या है, पर आप याद कर लेना। और आप भी ये जो स्पेस में जो हैवी बॉडीज़ हैं जो बता देते हैं ना कि उस ग्रह पे पानी है या नहीं है, एक अंदाज़ा जो लगा लेते हैं, वो यही सब तो रिमोट सेंसिंग ही तो है। आपको पता है कि अगर पानी है तो रिफ्लेक्शन रेट ये होगा, जो हमारे पास इमेज आएगी उसका कलर ऐसा होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम स्पेस में भी हम जो खोज करते हैं पानी की या मिनरल्स की या किसी भी टाइप की चीज़ें की, हम किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं हबल टेलीस्कोप से, हम इमेजेस से एक जो अंदाज़ा लगाते हैं कि जो वहाँ पे जो प्लैनेट है या वहाँ पे जो ये चीज़ें वहाँ से इतनी एनर्जी इमिट हो रही है या एनर्जी लेस है या वहाँ पर रॉक पाई जाएगी, तो वो सब यही तरीका है रिमोट सेंसिंग का कि वहाँ फिजिकली कॉन्टैक्ट के बिना हम कैसे डाटा कलेक्ट करें। वो डाटा कितना एक्यूरेट है वो सब डिपेंड करता है कि वो चीज़ कितनी दूर है, क्या है, आप क्या पता कर रहे हो, सब पे डिपेंड करता है। इस तरह हाइड्रोलॉजी है, वेटलैंड्स मैपिंग एंड मॉनिटरिंग, सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन, मेजरिंग स्नो थिकनेस, डिटरमाइनिंग स्नो वेदर इक्विवेलेंट, रिवर लेक आइस मॉनिटरिंग, फ्लड मैपिंग, ग्लेशियर डायनेमिक, रिवर डेल्टा चेंज, रिटेंशन ड्रेनेज बेसिन एंड वाटरशेड। अब आप एक चीज़ सोचो, इससे पहले मैंने बताया था अभी क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में इतनी सारी चीज़ें थी, उसके बाद था फॉरेस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें थी, जियोलॉजी में इतनी सारी चीज़ें हैं, हाइड्रोलॉजी में इतनी सारी चीज़ें हैं, अब सी और आइस के बारे में बात करेंगे और आगे जाके डिफेंस में भी होता है, तो इतनी सारी एप्लीकेशन है इसकी यूज़। इससे क्या समझ में आता है आपको? इससे एक चीज़ हमें समझ में आती है कि रिमोट सेंसिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्कोप है रिमोट सेंसिंग का। अगर रिमोट सेंसिंग में आपने एमटेक कर लिया, पीएचडी कर ली, तुरंत जॉब है, ठीक है, जॉब की भरमार है। क्योंकि बीटेक जब हम करते हैं तो बीटेक में हमारी सारी चीज़ें होती हैं, सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जैसे एमटेक अगर आपने रिमोट सेंसिंग में कर रही तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपको फ्री नहीं बैठोगे, गवर्नमेंट जॉब्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत इसकी रिक्वायरमेंट है। तो बहुत अच्छा फील्ड है एक रिसर्च पर्पज से आपका रिमोट सेंसिंग। आप एप्लीकेशन में देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन है इसकी यूज़ करने की, हर जगह रिमोट सेंसिंग यूज हो रहा है। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही सही, इतना ही काफी था इसमें। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ मुझे, कोई डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो बताओ। 24 स्टूडेंट है, फिर कम स्टूडेंट है, तो 40 वाले लेक्चर में।